हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग देखते हैं कि वर्जिन सी पेयर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज वर्जिन सी पेयर? इफ प्रीवियस डे कैंडल डिडंट टच डेली सी पेयर, द नेक्स्ट डे इट विल एक्ट एज वर्जिन सी पेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आज का सीपीआर है, ठीक है, और मार्केट यहाँ खुलता है और ऐसे ऐसे कैंडल बन के कहीं पे मार्केट बंद हो जाता है इधर, ठीक है, तो एक भी कैंडल अपना सीपीआर पे नहीं किया इस दिन, तो नेक्स्ट डे क्या होगा कि जो आज का सीपीआर था उसी को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे कल के लिए, ठीक है, और कल अगर मार्केट नीचे खुलता है सीपीआर के, ठीक है, अगर सीपीआर के नीचे मार्केट खुला, ठीक है, उसके बाद फिर कोई बुलिश कैंडल बनता है नीचे में, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, और मार्केट सीपीआर पे जैसे ही जाएगा और हमें कोई भी यहाँ पे रिवर्सल कैंडल दिखेगा रेड कैंडल, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा बाय, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर अपना हो जाएगा एसएल, ठीक है, सिंपल है, क्योंकि ये जब मार्केट सीपीआर से वर्जिन सीपीआर से नीचे है, ये वर्जिन सीपीआर है ये, क्योंकि कल सीपीआर पे एक भी कैंडल टच नहीं किया था, ठीक है, तो आज वो हो गया वर्जिन सीपीआर उसके लिए। तो और मान लीजिए कि यहाँ पे टुडे सीपीआर यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा कि मार्केट यहाँ जाने के बाद रिवर्सल लेगा और फिर यहाँ तक आएगा, तो अपना जो टारगेट रहेगा यहाँ से लेकर सिर्फ डेली, मतलब डेली सीपीआर तक, टुडे सीपीआर तक, ये हो गया अपना टारगेट यहाँ तक, ठीक है, यहाँ हमें टारगेट बुक करना है और निकल जाना है, ठीक है। सेम चीज अगर मार्केट सीपीआर के ऊपर है, ठीक है, अगर कैंडल ओपन होता है सीपीआर के ऊपर, ठीक है, मतलब कि कैंडल इधर कहीं ओपन होगा वर्जिन सीपीआर के ऊपर और ऊपर जा रहा है कैंडल, ठीक है, और फिर कोई भी एक रिवर्सल कैंडल बनता है ऊपर जाकर, रिवर्सल कैंडल बना तो यहाँ पे अपना हो जाएगा बाई, इस कैंडल के नीचे टारगेट अपना रहेगा वर्जिन सीपीआर, क्योंकि जब वर्जिन सीपीआर के ऊपर मार्केट है तो वर्जिन सीपीआर एज अ सपोर्ट काम करेगा, ठीक है, सिंपल, समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे वर्जिन सीपीआर एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
इंट्रासिस्टेंस, मतलब कि वर्जिन सीपीआर के ऊपर अगर मार्केट है तो ऊपर से मार्केट गिरता है तो वर्जिन सीपीआर सपोर्ट देगा ऐसे, और नीचे से मार्केट ऊपर जाता है वर्जिन सीपीआर रेसिस्टेंस देगा। ठीक है, एक्सटेंड वर्जिन सीपीआर जोन इन टुडे चार्ट विन द कैंडल अप्रोच वर्जिन सीपीआर, इट विल एक्सपेक्टेड टू रिवर्स, और ये गुड रिवर्सल सेटअप होता है वर्जिन सीपीआर। ठीक है, अब चलिए हम लोग को चार्ट देख लेते हैं। चार्ट देखते हैं, ये था 14 तारीख का चार्ट है ये। ठीक है, 14 तारीख का चार्ट है। आप देखो कि इस दिन का जो सीपीआर था, यहाँ पे मार्केट आया विग बनाकर, मार्केट नीचे चला गया और कोई भी सीपीआर के अंदर कैंडल नहीं किया। तो सेम हमने क्या किया कि उसी सीपीआर को एक्सटेंड कर दिया हम लोग नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, एक्सटेंड हो गया। अब देखिए, पहला कैंडल ही इससे रेसिस्टेंस लेके टारगेट दे दिया हमें, जो कि मैं पहले बताया था। एंट्री कहाँ पे होगा? अपना एंट्री होगा एंट्री एट 14 वर्जन सीपीआर टारगेट इक्वल टू टुडे सीपीआर। ठीक है, ये हो गया, समझ गए आप लोग। तो ये हुआ अपना पहला टारगेट। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पर रिवर्सल हुआ वर्जन सीपीआर पे, फिर से मार्केट यहाँ आया, ये हुआ दूसरा टारगेट, फिर से यहाँ रिवर्सल आया, फिर से मार्केट नीचे गिरा, ये हुआ तीसरा टारगेट। तो हमें एक जिगजैग मार्केट में भी हमें तीन ट्रेड मिल गया इस सेटअप से, जो कि बहुत यूजफुल सेटअप है वर्जन सीपीआर। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, 12 तारीख को क्या हुआ कि सीपीआर यहाँ पे था और मार्केट गैप अप खुला और R1 और R2 को बीच में मार्केट दिन भर फंसा रह गया। ठीक है, इस दिन सीपीआर के पास आया नहीं, तो ये जो था सीपीआर इसको हमने एक्सटेंड कर दिया अगले दिन के लिए। ये इधर एक्सटेंड हुआ, ठीक है, अब क्या है देखिए, टुडे सीपीआर ये है, टुडे सीपीआर से मार्केट रिजेक्शन लिया और कैंडल बिलो, ये मैं नोट में लिख देता हूँ, कैंडल बिलो डेली सीपीआर मीन्स बियर इस मार्केट। ठीक है, तो पहला ही कैंडल हमें रिजेक्शन दिया, तो एंट्री कहाँ होगा अपना?
एंट्री अपना होगा, एंट्री इक्वल टू टुडे सीपीआर, टारगेट इक्वल टू वर्जन सीपीआर। समझ गए आप लोग? तो अपना एंट्री था इधर कहीं, यहाँ पे अपना एसएल था, एसएल यहाँ पे था, ठीक है, और टारगेट अपना ये था जो कि अचीव हो गया। ठीक, सिंपल। अब चलिए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। देखिए सीपीआर यहाँ पे है, प्रीवियस डे ये था सीपीआर, मार्केट गैप डाउन खुला और मार्केट बिलो सीपीआर इक्वल टू बियर मार्केट, ठीक है, बियर मार्केट है ये। और इस दिन आप देखो कि एक भी कैंडल सीपीआर को टच नहीं किया और एक भी कैंडल सीपीआर के अंदर नहीं गया। तो हमने क्या किया कि प्रीवियस डे सीपीआर को एक्सटेंड कर दिया आज के सीपीआर, आज के चार्ट पे, ठीक है। अब आप देखो कि आज के सीपीआर के ऊपर मार्केट जाता है, रिवर्सल देता है और सीपीआर के डायरेक्ट नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे अपना हो गया एंट्री और टारगेट क्या होगा टुडे सीपीआर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ, एंट्री इक्वल टू वर्जन सीपीआर, एसएल इक्वल टू एवा वर्जन सीपीआर, टारगेट इक्वल टू टुडे सीपीआर, ठीक है। आप सब समझ गए होंगे। ओके, हम नेक्स्ट चार्ट में ये देखिए, यहाँ पे सीपीआर था और इस दिन क्या हुआ कि मार्केट सीपीआर पे आता है लेकिन रिजेक्शन दे देता है और सीपीआर को ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं जा पाता, ठीक है। तो ये एज ए वर्जन सीपीआर एक्ट करेगा नेक्स्ट डे। तो हमने क्या किया, सेम एक्सटेंड कर दिया सीपीआर को अगले दिन के लिए। अब देखिए इस दिन क्या हुआ, मार्केट सीपीआर को तोड़ा लेकिन फेक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और उसके बाद ये नीचे आया और यहाँ तक आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फेक ब्रेकआउट दिया, फिर से मार्केट नीचे आ गया और फिर इधर बहुत ट्राई किया मार्केट ऊपर जाने का लेकिन नहीं जा पाया, फिर से रिजेक्शन दिया और सीपीआर पे आ गया। मतलब कि अगर वर्जिन सीपीआर हो और मार्केट ऊपर जाए तो हम ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना है, हमें रिवर्सल पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे एम पैटर्न बनाया और मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला कैंडल वीक बनाया सीपीआर पे और मार्केट ऊपर चला गया और एक भी कैंडल सीपीआर के अंदर नहीं आया, तो सेम हमने अगले दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया सीपीआर को टुडे सीपीआर में, टुडे चार्ट पे। तो ये हो गया, तो ये अपना है वर्दिन सीपीआर आज के लिए और यहाँ पे अपना है टुडे सीपीआर।
अब एंट्री कहाँ होगा? पहला एंट्री होगा जब सीपीआर के ऊपर मार्केट आए, यहाँ पे अपना हुआ एंट्री, ठीक है। उस कैंडल के नीचे हो जाएगा एसएल, अपना टारगेट, टारगेट अपना हो गया टुडे सीपीआर, टुडे सीपीआर, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री कहाँ होगा? सेकेंड एंट्री जैसे ही मार्केट वहां से रिजेक्शन देता है, ठीक है, ये हो गया पहला टारगेट। दूसरा, मार्केट टुडे सीपीआर का रिजेक्शन दिया, यहाँ पे अपना होगा एंट्री, बॉटम सी मिडिल सीपीआर पे एसएल, वर्किंग सीपीआर टारगेट, जो कि अप्रोक्स पहुंच गया मार्केट यहाँ तक, तो दो ट्रेड हमें मिल गया, ठीक है। एक ट्रेड वर्जिन सीपीआर से डेली सीपीआर और दूसरा डेली सीपीआर से वर्जिन सीपीआर, ठीक है, सिंपल। अब इस दिन देखते हैं, इस दिन क्या हुआ? देखो कि सीपीआर इस दिन यहाँ पे है, ठीक है, और मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खोला, मार्केट गैप डाउन खोला, डे लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ गया, और पूरा दिन मार्केट सीपीआर से नीचे ही रहा, तो ये सीपीआर अगले दिन के लिए वर्जिन सीपीआर बन गया, ठीक है। और मार्केट बिलो वर्जिन सीपीआर इज अ गुड रिवर्सल एंड इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो आप देखिए कि मार्केट ओपन होता है और सीपीआर से पहले ही रेजिस्टेंस देते, मतलब उसे रेजिस्टेंस दिया और मार्केट नीचे आ गया, तो अपना एंट्री कहाँ होगा? इस कैंडल के, रिवर्सल कैंडल के नीचे एंट्री होगा, R1 के ऊपर अपना SL होगा, टारगेट अपना टुडे सीपीआर, जो कि कंप्लीट हो गया, ठीक है, सिंपल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।